जय श्री कृष्णा दोस्तों, माहिया व्लॉग में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं और विहान भी बहुत अच्छे हैं। तो आइए आज हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज हम आए हैं मारुति नंदन गार्डन, जो कि कलगाम में है। ये दमन जाने वाले रास्ते में आता है और उमर गांव से ये 22 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप दमन जा रहे हैं तो इस गार्डन में भी घूमते हुए जाइए। आइए हम गार्डन के अंदर चलते हैं और प्लीज़ आप ब्लॉग में बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप दोनों सहेलियाँ हैं? हाँ। सखी सहेली? हाँ बिल्कुल। अमन आप भाई लगते हो। अरे पूरा कहां से आएगा, पीछा पीछा कम लगा। अब आ रहा है लकड़ी कैसे करनी है जैसे ना। आज मैं आपको मारुति नंदन गार्डन का सैर कराती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्या है मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाती हूँ। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं देखने लायक और घूमने लायक। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है मियावाकी पार्क। तो आगे देखते हैं कि मियावाकी पार्क में क्या है और आगे क्या है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मेरी बहन देखिए फ़ोटो शूट में लगी हुई है। Oh,
गार्डन में आपको घूमने के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं, पर बच्चों के लिए स्पेशली यहाँ पे झूले बनाए गए हैं, छोटे छोटे राइड्स बनाए गए हैं, स्लाइडर वगैरह है। तो अगर आप आते हैं तो अपने बच्चे को यहाँ पे जरूर लेते आए, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। बच्चे तो छोड़ो, यहाँ पे माएँ भी बहुत इंजॉय कर सकती है, जस्ट लाइक मी, जैसे मैंने भी इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। क्योंकि ये जो राइड है वो काफ़ी मजबूत है, तो इस पर कोई भी बैठ सकता है। और आगे भी दो तीन राइड्स मैंने आपको दिखाए हैं वीडियो में कि कितने अच्छे अच्छे राइड्स हैं, जो स्लाइडर है। तो अगर आप इस गार्डन में आते हैं तो फुल एंजॉय कर सकते हैं, स्पेशली फॉर चिल्ड्रंस। आगे देखिए, आगे यहाँ पे पत्थरों जैसा पहाड़ जैसा बनाया हुआ है और ऊपर एक मूर्ति लगाई गई है, पर ये राउंड 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 करके है, तो काफ़ी इसके चक्कर मेरे को 3 या 4 चक्कर लगाने पड़े थे, तो जाके लास्ट में मैं ऊपर तक पहुँची थी। और सच्ची बोलूँ ना तो ऊपर जाके जो नज़ारा दिखा ना, क्या दिख रहा था, मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा। ऊपर जाके जो नज़ारा है ना, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। कुछ कुछ पहाड़ियाँ दिख रही थी और थोड़ी ये ऊंचाई पे है तो और भी सुंदर लग रहा था। मगर इतना घेर घुराओ, मतलब घूमते रहो 3-4 राउंड से ज़्यादा ही है, मतलब 5-6 राउंड है, मतलब मैं घूमते तब जाके लास्ट में ऊपर तक पहुँची। और ऊपर एक जो मूर्ति है वो पता नहीं कौन से भगवान की है, मुझे भी नहीं पता कि कौन से ऋषि की है, नहीं पता, पर मूर्ति पत्थर की बनी हुई है, पत्थरों के बीच में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ कि आगे का नज़ारा कैसा है। और प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, वीडियो में बहुत मेहनत करके बनाती हूँ, सो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर 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 देखिएगा। और देखिए यहाँ पे लिखा है कि इस मूर्ति को छूना मना है, जो कि गुजराती में लिखा था। चलिए ऊपर जाने के लिए नहीं है।